हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको महाराष्ट्र के सबसे पहले और सबसे बड़े पार्क में लेके जा रही हूँ, जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे 100 से ज़्यादा बर्ड्स और बटरफ्लाई है और 2400 ट्रीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी एक जगह है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल पार्क थाने। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी, सो आप बने रहिए। ये पार्क महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने इनॉग्रेट किया था। यहाँ पर आने के लिए आपको कल्पतरु पार्क सिटी में आना पड़ेगा, जो कि कोलशेड रोड पे है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 25 रुपीज़ है पर पर्सन, बहुत ही नॉमिनल है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको स्टार्टिंग में ट्री हाउस दिखता है। यहाँ पर बच्चों के स्लाइड करने के लिए काफ़ी सारी डिफरेंट स्लाइड्स भी है। ये जो पार्क है ये 4 जोन में डिवाइडेड है। मैं एक एक करके आपको सारी जगह लेके जाऊंगी। यहाँ पर प्ले जोन है, लेक जोन है, स्पोर्ट्स जोन है और थीम गार्डन है। थीम गार्डन की स्टार्टिंग होती है फ्रोलल थ्रेल से। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है और एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है। ये अभी डे लाइट का व्यू है और अभी आगे आएगा नाइट व्यू। नाइट व्यू में तो यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स हैं जिससे ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ये फ्लोरल ट्रेल्स के सामने ही मल्टीपर्पज़ लॉन है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, पिकनिक कर सकते हो और अपने बच्चों के साथ खेल भी सकते हो। अब हम आ गए हैं लेक साइड में और लेक के पास ही है एक ब्रिज जिसको व्यूइंग डेक भी बोलते हैं। वाओ, कितना सुंदर वाटरफॉल है ये। जिन लोगों को भी ऐसी नेचुरल चीज़ें पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट लोकेशन है। ये पार्क सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ओपन रहता है और दोपहर के 1 बजे से रात के 9 बजे तक। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ को लेके डेफिनेटली आ सकते हैं। अब हम आ गए हैं थीम गार्डन में। यहाँ पे एक जगह आके आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। सबसे पहले यहाँ पे है जापानीज़ गार्डन। यहाँ पे जापानीज़ का जो स्ट्रक्चर रहता है घर का, एकदम वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देन वी हैव द मुगल गार्डन। जैसे राजा महाराजा के टाइम पर गेट्स हुआ करते थे, जैसा गार्डन हुआ करता था, एकदम वैसा ही यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आगे है चाइनीज़ गार्डन। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है। अब हम आ गए हैं मोरक्कन गार्डन में। ये जो थीम गार्डन है ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो। फोटोशूट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह। अब चलते हैं हम ब्रिज पे और ब्रिज से जाके व्यू देखते हैं। वाओ, लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है ये। आ रही है ना एकदम फॉरेन वाली फीलिंग। अब ये बच्चों का फेवरेट पार्ट आ गया है जिसका नाम है प्ले जोन। सबसे पहले यहाँ पे ये डांसिंग फाउंटेन है। यहाँ पे थोड़े थोड़े सेकेंड्स में फाउंटेन में पानी आता रहता है और बच्चे इसके नीचे मज़े कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं
तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े लेकर आइए, सो दैट भीगने के बाद उनके कपड़े हम चेंज कर सकते हैं। ये है मेज। इस पार्क में अलग अलग स्लाइड्स भी है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे से खेल पाते हैं। ये है ड्रम्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, और इन सब में से अलग अलग आवाज़ें आती हैं। यहाँ पे हम चेस खेल सकते हैं। क्या आपने कभी इतना बड़ा चेस देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा था। इस पार्क में टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट भी है, लेकिन इसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ेगी या फिर आप काउंटर से भी इसकी टिकट खरीद सकते हैं। और यहाँ पे स्केटिंग एरिया भी है। यहाँ पर आने के लिए आपको कल्पतरु पार्क सिटी में आना है। अगर आप ठाणे स्टेशन से आते हैं तो आप बस में 15 रुपीज़ में आधे घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर ऑटो से आते हैं तो 20 मिनट्स में आ सकते हैं। ये व्यूइंग डेक से जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और लोग यहाँ काफ़ी दूर से आते हैं इतनी ब्यूटीफुल जगह को देखने के लिए। यहाँ से जो नीचे दिख रहा है वो था फाउंटेन का एरिया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। रात में ये जगह और भी सुंदर दिखती है। यह है एम्पी थिएटर, और आप यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट में अपने व्यूज़ बताइए। थैंक यू।